48वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ यहाँ से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 226, गाथा क्रमांक 48। मामुजह मारजह मादु सहे ठेठ अठे सु तिरमिच्छहि जयि चित्तम् विचित्त झाड़प से धीये अनिष्ट वस्तु बोधि की राग द्वेष अनुमोहन अपि जो चित्त बोधि करना हो ऐसे किए ध्यान से ध्याता पुरुष के लक्षण को बताते हुए 48वीं गाथा में कहा कि यदि चित्त स्थिर करना चाहते हो और ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो तो क्या करना कि इस अनिष्ट पदार्थों में मां मोचह मां रज्जह मां दूसर के मोह नहीं करो, राग नहीं करो और द्वेष नहीं करो। टीका के अंतर्गत चार प्रकार के ध्यान की चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत आठ ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान की चर्चा अपनी पूरी हो चुकी थी। शुक्ल ध्यान की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। प्रश्न क्रमांक 229 पर शुक्ल ध्यान की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी अंतिम कक्षा में, उसी को थोड़ा सा पढ़ते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे विषय में। प्रश्न क्रमांक 229 अंतिम पैराग्राफ है। अब प्रतिपत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक चार प्रकार के शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। वह इस प्रकार है। सबसे पहले पहला पृथकत्व वितर्क विचार। प्रथम पृथकत्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। देखिए, द्रव्य गुण और पर्याय के भिन्न पने को पृथकत्व कहते हैं। एक एक शब्द का अर्थ बोलते हुए यहाँ पे चर्चा करेंगे। पृथकत्व, वितर्क और विचार, तीन शब्द हैं। पृथकत्व माने द्रव्य गुण और पर्याय में जो पृथक पना है उसे यहाँ पे पृथकत्व कहा गया है। द्रव्य गुण और पर्याय के भिन्न पने को पृथकत्व कहते हैं। भिन्न पने का अर्थ ऐसा नहीं कि सत्ता से अलग अलग है, अरे द्रव्य गुण और पर्याय सत्ता की दृष्टि से तीनों एक ही है, लेकिन लक्षण भेद की अपेक्षा से उनमें भिन्नता दिखाई देती है। अतर्भाव पने की अपेक्षा से उनमें भिन्नता है, तो द्रव्य गुण और पर्याय के भिन्न पने को पृथकत्व कहते हैं। स्वशुद्धात्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है ऐसे भाव शुद्ध को और उसके स्वशुद्धात्मा के वाचक अंतर जल्प रूप वचन को वितर्क कहते हैं। वितर्क माने विचार होना, तर्कणा होना। वितर्क माने श्रुत ज्ञान का जो कार्य है
शुद्ध ज्ञान में जो प्रवृत्ति हो रही है उस सबको वितर्क कहा गया है। तो शुद्धात्मा की अनुभूति रूप जो ज्ञान प्रवृत्त है वह भाव शुद्ध ज्ञान, और बाहर में जो विकल्प रूप ज्ञान है वह वितर्क कहलाता है। और अंतिम विचार, इच्छा के बिना एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक वचन से दूसरे वचन में, और मन वचन काय इन तीन योगों में से किसी एक योग से दूसरे योग में जो परिणमन पलटना होता है उसे विचार कहते हैं। ठीक है, विचार है माने भाव श्रुत ज्ञान का कार्य निरंतर शुद्धात्मा अनुभूति के समय में चल रहा है। अब जब मुनिराज जैसे आठवें गुण स्थान में है, नौवें गुण स्थान में, तो वहां पे क्या हो रहा है कि शुद्धात्मा अनुभूति भी चल रही है, इसके साथ साथ ही जो उनका उपयोग है वो एक विषय से दूसरे विषय में भी बदलता है। वो कौन कौन से विषय है आगे इसका कथन करेंगे, तो उसमें कहेंगे कि बाहर किसी विषय में उलझते नहीं, उनका उपयोग जो बदलता भी है तो किस में बदलता है कि द्रव्य गुण पर्याय के विचार में बदलता है। तो यहाँ पे तीन चीजें ली, तीन चीजें यहाँ पे ली वितर्क विचार के अंतर्गत। इच्छा के बिना एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, इसे कहा जाता है अर्थ शब्द संक्रांति होना, माने बदलना। तो किससे किस में बदलना कि एक अर्थ से दूसरे अर्थ में बदलना। अर्थ का मतलब यहाँ पे द्रव्य गुण और पर्याय, माने जिस समय मुनिराज स्वरूप में स्थित है, शुद्धोपयोग में लीन है, उस समय ऐसा नहीं है कि वह चिंतन से रहित हो जाते हो, विचार से रहित हो जाते हो। उस समय भी जो ज्ञान है वे तो अपना कार्य कर ही रहा है, सोचने विचारने की शक्ति तो उस समय भी कार्य कर ही रही है, तो किस चीज का विचार होगा। तो द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों में से किसी एक वस्तु का विचार होता है, और वह विचार बदल भी सकता है। माने द्रव्य का विचार हो रहा है, फिर गुण का विचार कर सकते हैं, फिर पर्याय संबंधी विचार हो सकता है। तो ये अर्थ संक्रांति कहलाती है, एक अर्थ से दूसरे अर्थ का विचार होना, द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ और पर्याय। तो द्रव्य अर्थ का विचार चल रहा हो तो बदल के गुण अर्थ का विचार हो सकता है, गुण अर्थ का विचार चल रहा हो तो बदल के पर्याय अर्थ का विचार हो सकता है, इसे कहते हैं अर्थ संक्रांति। तो इच्छा के बिना एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक वचन से दूसरे वचन में, माने जो जिन भगवान का कथन है अथवा जो आगम वाक्य है, तो ये सब वचन कहलाते। तो एक वचन से दूसरे वचन का विचार होना ये व्यंजन संक्रांति कहलाती है, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति। और मन वचन का है इन तीन योगों में से किसी योग से दूसरे योग में जो परिणमन पलटना होता है उसे विचार कहते हैं। अंतिम हुई योग संक्रांति, एक योग से दूसरे योग में परिवर्तित होना, मन योग से वचन योग में, वचन योग से काय योग में, काय योग से वचन योग में, इस तरह से जो परिवर्तन होता है उसे विचार कहते हैं। ठीक है, तो पृथकत्व, वितर्क, विचार। पृथकत्व माने द्रव्य गुण पर्याय का जो पृथक पना है उसका विचार होता है, किससे के माध्यम से, वितर्क माने भाव श्रुति ज्ञान में, श्रुति ज्ञान में इन सब का विचार होता है। और ये विचार कैसा है, विचार माने परिवर्तन रूप है, एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक शब्द से दूसरे शब्द में, और एक योग से दूसरे योग में परिवर्तन चलता है। कुल मिलाकर के यहाँ पे इतना बताया जा रहा है कि जब मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं, तो उस समय क्या होता है। हमें भी मन में कई बार प्रश्न खड़े हो सकते हैं कि मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तो क्या करते होंगे, क्या विचार करते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मात्र मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ इस रूप ही विचार चलता है। द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन माने उस समय चल सकता है, शब्द परिवर्तन भी उस समय होते हैं, योग परिवर्तन भी उस समय होता है। इतना जरूर है कि इच्छा पूर्वक नहीं हो रहा है। जैसे वर्तमान में यदि हम आत्मा का ध्यान लगाने भी बैठेंगे तो मैं इस उपयोग पूर्वक बैठूंगा कि अब मुझे शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है, तो ये तो अनुभव से पहले की पूर्व अवस्था है, जहाँ बुद्धि पूर्वक हम ये सोचकर बैठ रहे हैं कि अब मुझे आत्मा का अनुभव करना है। लेकिन जिस समय शुद्ध आत्मा अनुभूति उत्पन्न होती है उस समय इच्छा पूर्वक कोई भी विकल्प खड़ा नहीं होता है, लेकिन अवधि पूर्वक जो भी विकल्प खड़े होते हैं वो भी किस संबंधी खड़े होंगे, द्रव्य गुण पर्याय के विचार संबंधी ही विकल्प खड़े होते हैं, वो भी अवधि पूर्वक।
बुद्धि पूर्वक कोई विकल्प वहां पे खड़ा नहीं होगा। देखिए उसी को विस्तार में यहाँ पे कहा भी है। इसका अर्थ इस प्रकार है, यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष निज शुद्धात्मा का संवेदन छोड़कर बाह्य पदार्थों का चिंतन नहीं करता है, माने शुद्धोपयोग में बाह्य पदार्थों का चिंतन तो नहीं होगा, परंतु तो भी उसे जितने अंश में स्वरूप में स्थिरता नहीं है उतने अंश में इच्छा के बिना विकल्प उत्पन्न होते हैं। इस कारण इस ध्यान को पृथकत्व वितर्क विचार कहते हैं। माने क्या, जितने अंशों में स्थिरता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उपयोग अभी आत्मा हट गया है इसलिए क्षण के लिए शुद्धात्मा को तो चल रहा है, अनुभव चल रहा है। देखिए अनुभव नहीं हटा है, उपयोग भी नहीं छूटा है। माने जैसे आठवें गुण स्थान में मुनिराज है तो उस समय उपयोग तो शुद्धात्मा पे ही लीन है, उपयोग स्वसंवेदन में ही स्थिर है, लेकिन उपयोग स्वरूप में स्थिर होते हुए भी कुछ अंशों में जो उपयोग वह स्वरूप में स्थिर नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अभी संयोजन कषाय का उदय है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, लेकिन एक कषाय चौकड़ी विद्यमान है, तो वो एक कषाय चौकड़ी का उदय आठवें गुण स्थान में भी रहेगा, नौवें गुण स्थान में भी रहेगा, दसवें गुण स्थान में भी रहेगा। तो प्रश्न खड़ा होगा कि ये जो संयोजन कषाय का उदय है उसका कार्य क्या है? संजुलन कषाय का उदय है, संजुलन क्रोध मान माया लोभ कषाय का उदय है, तो प्रश्न खड़ा हुआ कि संजुलन कषाय के उदय में होता क्या है? तो उसके समाधान रूप अपन ये देख सकते हैं कि संजुलन कषाय के उदय में ऐसे क्रोध करते हुए दिखाई नहीं देंगे, मान करते हुए दिखाई नहीं देंगे, मायाचारी अथवा लोभ करते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जैसे दसवें गुण स्थान के अंतर्गत भी जो सूक्ष्म लोभ शेष रहता है तो सूक्ष्म लोभ कैसा रहता होगा? परिवार संबंधी कोई लोभ शेष है? धन वैभव संबंधी कोई लोभ शेष है? शरीर संबंधी कोई लोभ शेष है? कि वो तो कोई लोभ शेष है ही नहीं। लोभ यदि कुछ शेष है भी तो क्या है कि द्रव्य गुण पर्याय के चिंतनात्मक लोभ ही उसको कहा जा सकता है, और वो भी अबुद्धि पूर्वक है, बुद्धि पूर्वक लोभ भी नहीं रहा है। जो भी परिवर्तन चल रहा है वो कैसा हो रहा है? अबुद्धि पूर्वक ही हो रहा है, बुद्धि पूर्वक उसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। इसको यदि बहुत स्थूल उदाहरण से समझना चाहे तो जैसे हमारे मन की प्रवृत्ति होती है तो कुछ विचार तो हमारे ऐसे होते हैं जो हम बुद्धि पूर्वक सोचते हैं, विचार करते हैं। जैसे आप सुबह उठोगे तो आपने बुद्धि पूर्वक विचार किया कि मुझे मंदिर जाना है, पूजन करना है, स्वाध्याय करना है, तो ये सब बुद्धि पूर्वक विचार। लेकिन कितने ही विचार अबुद्धि पूर्वक भी चल रहे होते हैं जो आप सोचकर नहीं करते हैं। भूख लगी तो आपने सोचकर ही विचार किया कि अब क्यों, चूंकि पेट खाली है इसलिए मुझे भूख का विकल्प खड़ा होना चाहिए, सोच समझ के तो नहीं किया, अबुद्धि पूर्वक ही बिना इच्छा के भूख का विकल्प खड़ा हो जाता है। ऐसे ही कितने विकल्प हैं जो अबुद्धि पूर्वक चलते ही रहते। आप स्वाध्याय में बैठे हैं, उपयोग सुनने में लगा रहे हैं, लेकिन अबुद्धि पूर्वक रूप से वह उपयोग आपका कहाँ कहाँ भटक सकता है? तो ये अबुद्धि पूर्वक विकल्प खड़े होते हैं। माने ये बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन एक समझने के दृष्टिकोण से कि ऐसे ही जो शुद्धोपयोग में स्थित मुनिराज है उनके भी अबुद्धि पूर्वक रूप से विकल्प चलते हैं। अब लेकिन वह अबुद्धि पूर्वक विकल्प भी किस संदर्भ में होंगे? तो वहां पे कहा पृथकत्व, माने द्रव्य गुण और पर्याय इसके विचार रूप ही विकल्प होते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उन्हें खड़ा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए जंगल में और किसी जीव ने उनपे उपसर्ग किया तो उपसर्ग के काल में भी उनका उपयोग उपसर्ग पे नहीं जाएगा। माने यहाँ पे कहा ना जैसे बाह्य विषयों में उनका उपयोग नहीं जाता है, तो उपसर्ग के काल में भी उपयोग उनका कहाँ पे स्थित है? स्वरूप में ही स्थित है, और उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय के विचार रूप ही है। शरीर संबंधी कोई विकल्प नहीं है, परिवार संबंधी कोई विकल्प नहीं है, ये तो बहुत पहले ही छूट गए, छठे सातवें गुण स्थान में उन सारे विकल्पों से मुक्त हो गए हैं। छठे गुण स्थान में अब जो विकल्प रह जाते हैं, छठे गुण स्थान में माने जैसे 28 मूल गुणों के पालन संबंधी विकल्प है, ग्रंथ लेखन संबंधी विकल्प है, अब आठवें गुण स्थान में, सातवें आठवें गुण स्थान में उन विकल्पों से भी
रहित हो गए, बुद्धिपूर्वक सारे विकल्पों का अभाव हो गया है, अबुद्धिपूर्वक जो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी विकल्प होते हैं वो विकल्प आठवें नौवें दसवें गुण स्थान में चलते हैं, और उपसर्ग माने उपशम श्रेणी की अपेक्षा देखा जाए तो ग्यारहवें गुण स्थान तक ये परिवर्तन, ये जो विचार है वह चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष निज शुद्धात्मा का संवेदन छोड़कर बाह्य पदार्थों का चिंतन नहीं करता है तो भी उसे जितने अंश में स्वरूप में स्थिरता नहीं है उतने अंश में इच्छा के बिना विकल्प उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? इच्छा के बिना विकल्प उत्पन्न होते हैं, इच्छा नहीं है वहां पे, लेकिन बिना इच्छा के भी क्योंकि संयोजन कषाय का उदय है तो संयोजन कषाय के उदय में वे विकल्प उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे विकल्प किस संदर्भ में होंगे? द्रव्य गुण और पर्याय संदर्भ। इस कारण इस ध्यान को पृथकत्व वितर्क विचार कहते हैं। पृथकत्व माने द्रव्य गुण और पर्याय, पेज क्रमांक 230 नीचे से साथ ही आठ बनाए। पृथकत्व वितर्क विचार, पृथकत्व माने द्रव्य गुण और पर्याय, वितर्क माने श्रुत ज्ञान, माने जो भाव श्रुत ज्ञान है वह वितर्क कहलाता है, और विचार माने उस भाव श्रुत ज्ञान का जो विषय है उसमें परिवर्तन होना उसे विचार कहते हैं। ये विचार तीन प्रकार का होगा, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। जैसे यहाँ पे ऊपर कहा था एक अर्थ से दूसरे अर्थ में बदलना, एक वाक्य से शब्द से दूसरे शब्द में बदलना और एक योग से दूसरे योग में बदलना, ये विचार कहलाता है। इसे ही कहते हैं अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। तो जो उपयोग पलटने की बात थी शुद्ध उपयोग के काल में, तो उपयोग पलटना मतलब एक अर्थ से दूसरे अर्थ का विचार बदलना। माने क्या? जैसे द्रव्य संबंधी चिंतन चल रहा है, आठवें गुण स्थान में है, अबुद्धि पूर्वक द्रव्य का विचार चल रहा है, द्रव्य का विचार चलते चलते फिर वह विचार बदल जाना, गुण संबंधी विचार होने लग जाना, गुणों का विचार होते होते फिर वह बदल जाना, पर्याय संबंधी विचार होना, ये कहलाता है अर्थ संक्रांति, एक अर्थ से दूसरे अर्थ का विचार होना। ठीक है, दूसरा व्यंजन संक्रांति, व्यंजन संक्रांति माने एक वचन से दूसरे वचन में उपयोग का बदलना। माने क्या? जिनवाणी के आगम वचन है, जिन्हें भगवान के जो वचन है तो उन वचन का चिंतन होना। जैसे किसी मुनिराज से देशना प्राप्त की अथवा साक्षात जिन्हें भगवान से देशना प्राप्त की तो उन वचनों में उपयोग का पलटना, उसे कहते हैं व्यंजन संक्रांति। और योग संक्रांति माने एक योग से दूसरे योग में, मन वचन काय योग है तो तीनों योग में जो परिवर्तन होता है, मन योग से वचन योग में, वचन योग से काय योग में, वह योग संक्रांति कहलाती है। तो जितने श्रेणी के गुण स्थान है आठवां नौवां दसवां और ग्यारहवां, और छपक श्रेणी की अपेक्षा देखें तो आठवां नौवां और दसवां, उसमें ही पृथकत्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान, जो पहला शुक्ल ध्यान है वह होता है। ठीक है, यह प्रथम शुक्ल ध्यान उपशम श्रेणी की विवक्षा में अपूर्व कर्ण उपशमक, अनिवृत्ति कर्ण उपशमक, सूक्ष्म सांप्राय उपशमक और उपशांत कषाय, इन चार गुण स्थानों में होता है, और छपक श्रेणी की विवक्षा में अपूर्व कर्ण छपक, अनिवृत्ति कर्ण छपक और सूक्ष्म सांप्राय छपक, इन तीन गुण स्थानों में होता है। इस प्रकार प्रथम शुक्ल ध्यान का व्याख्यान हुआ। माने कौन कौन से गुण स्थानों में शुक्ल ध्यान होगा? पहले नंबर का उपशम श्रेणी की अपेक्षा देखा जाए आठवां नौवां दसवां और ग्यारहवां गुण स्थान। ठीक है, और छपक श्रेणी की अपेक्षा देखा जाए तो आठवां नौवां और दसवां गुण स्थान। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न खड़ा हो सकता है उपशम श्रेणी में चार गुण स्थान लिए आठ नौ दस ग्यारह, और छपक श्रेणी में तीन गुण स्थान लिए, जबकि बारहवां गुण स्थान भी छपक श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो उसको क्यों नहीं लिया? क्या बारहवें गुण स्थान में पहले नंबर का शुक्ल ध्यान तीन होता है? हाँ, ये बारहवें गुण स्थान में पहले नंबर का शुक्ल ध्यान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले नंबर का जो शुक्ल ध्यान है वहां पे विचार हो रहा है, माने विकल्प का परिवर्तन हो रहा है,
अब लेकिन बारहवें गुण स्थान में कषाय का अस्तित्व शेष नहीं है, जो दसवें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय विद्यमान थी बारहवें गुण स्थान में उसका भी अभाव हो गया है। जब संपूर्ण कषायों का अभाव हो गया है तो किसी भी प्रकार का विचार होना संभव नहीं है, इसलिए पहले शुक्ल ध्यान के गुण स्थानों में बारहवें गुण स्थान को नहीं लिया, छपक श्रेणी में मात्र आठवां नौवां और दसवां गुण स्थान ही लिया गया है। पॉइंट समझ में आ रहा है? माने जो अबुद्धि पूर्वक भी विकल्पों में परिवर्तन होता था वो संजनन कषाय के कारण हो रहा था, और बारहवें गुण स्थान में संजनन कषाय विद्यमान नहीं है। बारहवें गुण स्थान माने संपूर्ण कषायों से अभाव हो गए हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का विकल्प परिवर्तन बुद्धि पूर्वक तो होते ही नहीं है और अबुद्धि पूर्वक भी अब नहीं होगा, क्योंकि संजनन कषाय का संपूर्णतः अभाव हो गया है। ठीक है, इसलिए ग्यारहवें छपक श्रेणी की अपेक्षा तीन गुण स्थान और उपशम श्रेणी की अपेक्षा चार गुण स्थान। तो इस प्रकार चार अथवा तीन गुण स्थानों में ये पहला शुक्ल ध्यान होता है, पहला शुक्ल ध्यान पृथकत्व वितर्क विचार। ठीक है, आगे बढ़े, दूसरा शुक्ल ध्यान की चर्चा यहां से करते हैं। निःशुद्धात्म द्रव्य अथवा विकार रहित आत्म सुख के अनुभव रूप पर्याय में अथवा उपाधि रहित स्वसंवेदन गुण में, इन तीनों में से जिस एक में द्रव्य गुण अथवा पर्याय में प्रवृत्त हो उसमें ही वितर्क नामक स्वसंवेदन लक्षण युक्त भाव श्रुति के बल से स्थिर होकर अविचार रूप होता है, अर्थात द्रव्य गुण अथवा पर्याय में परावर्तन नहीं करता है, वह क्षीण कषाय गुण स्थान में संभव एकत्व वितर्क अविचार नामक दूसरा शुक्ल ध्यान कहलाता है। इस दूसरे शुक्ल ध्यान से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब देखिए दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान क्या कह रहा है, एकत्व वितर्क अविचार। ठीक है, इसमें ये हो रहा है जैसे पहले नंबर का जो शुक्ल ध्यान था उसमें तो द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन बदल रहा था, कभी द्रव्य का चिंतन हो, कभी पर्याय का चिंतन हो, कभी गुण का चिंतन हो। दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान में क्या होगा कि चाहे द्रव्य का चिंतन हो, चाहे गुण का चिंतन हो, चाहे पर्याय का चिंतन हो, अब वह चिंतन बदलेगा नहीं। यदि द्रव्य का विचार चल रहा है तो वो द्रव्य का ही विचार चलेगा, गुण और पर्याय का विचार बदलेगा नहीं। यदि गुणों का विचार चल रहा है तो वह द्रव्य और पर्याय के विचार में कन्वर्ट नहीं होगा, पर्याय का विचार चल रहा है तो फिर वह द्रव्य और गुणों के चिंतन में परिवर्तित नहीं होगा। माने एक जिस वस्तु का विचार चल रहा है अब उसी वस्तु का चिंतन होगा, अन्य किसी वस्तु का चिंतन नहीं होगा। इसलिए एकत्व वितर्क, एकत्व माने द्रव्य गुण पर्याय में से किसी एक का ही विचार होगा, वितर्क माने उस भाव श्रुति ज्ञान के माध्यम से विचार होगा, तो वितर्क। और अविचार, अविचार माने परिवर्तन नहीं होना, विचार का अर्थ था परिवर्तन होना, एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक शब्द से दूसरे शब्द में, एक योग से दूसरे योग में, अविचार माने एक अर्थ से दूसरे अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्य का विचार चल रहा है तो द्रव्य का ही विचार चलेगा, गुण पर्याय का विचार नहीं होगा। एक शब्द वाक्य में माने जिस शब्द का जिस वाक्य का चिंतन चल रहा है उसी का चिंतन चलेगा, अन्य किसी वाक्य अथवा शब्द का चिंतन नहीं होगा, और युग परिवर्तन भी यहाँ पे स्थिर हो गया। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे कहा अविचार, तो एकत्व वितर्क अविचार नामक दूसरा शुक्ल ध्यान कहलाता है। ये बारहवें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान होता है और ये शुक्ल ध्यान ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण होता है, क्योंकि अब सीधे बारहवें गुण स्थान के बाद तेरहवा गुण स्थान आने वाला है, तेरहवा गुण स्थान माने अनंत दशा, केवल ज्ञान की दशा। तो ये जो बारहवें गुण स्थान में होने वाला दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान है इसे केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण भी कहा गया। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान हुआ। तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान देखते हैं। अब सूक्ष्म काय की क्रिया के व्यापार रूप और अप्रतिपाती माने जिससे गिरना नहीं हो ऐसा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तीसरा शुक्ल ध्यान है। देखिए जब नाम अपन पढ़ेंगे तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, लेकिन ये संयुक्त मिला हुआ है, संधि हुई हुई है, तो इसलिए क्रिया में अ भी जुड़ा हुआ है, तो क्रिया अप्रतिपाती
अप्रतिपाती माने जहां से गिरना नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए सूक्ष्म काय की क्रिया के व्यापार रूप, सूक्ष्म काय की क्रिया के व्यापार रूप माने क्या, काय की क्रिया होगी, काय की क्रिया माने क्या, उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, क्या हो रहा है कि ये जो शुक्ल ध्यान है वह 13वें गुण स्थान में होता है, माने 12वें गुण स्थान में दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान, अभी जो शुक्ल ध्यान है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती यह 13वें गुण स्थान में हो रहा है, 13वें गुण स्थान में माने अनंत दशा प्रकट हो गई है, तो अनंत दशा में सूक्ष्म क्रिया कौन सी शेष है, यहाँ लिखा सूक्ष्म काय की क्रिया के व्यापार रूप, तो सूक्ष्म क्रिया की क्रिया का व्यापार माने क्या, उठना बैठना है, चलना फिरना है, क्या कह सकते हैं कि बिहार तो होता है, बिहार भी होता है लेकिन चलने रूप बिहार नहीं होता है, स्वतः ही आकाश में उनका गमन होता है, जैसे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो चलना पड़ेगा, लेकिन 13वें गुण स्थान में उस रूप बिहार नहीं होता है, सहज अपने आप स्वाभाविक उनका बिहार होता है, बुद्धि पूर्वक भी नहीं है, माने अबुद्धि पूर्वक माने विकल्प तो शेष है ही नहीं, तो बिना विचार के ही स्वाभाविक ही उनका विहार होता है। ठीक है, तो अथवा दूसरे विचार करें तो चूंकि संयोग केवली दशा है, माने मन वचन और काय का जो व्यापार है वो यहाँ पे चल रहा है, तो उसे ही यहाँ पे सूक्ष्म क्रिया कहा है, माने मन वचन काय की जो क्रिया चल रही है, व्यापार चल रहा है, वह सूक्ष्म क्रिया है, उठने बैठने रूप इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, अथवा जैसे श्वेतांबर मत में कबला आहार का प्रसंग बनता है तो उस रूप भी कोई क्रिया उनकी नहीं है, सूक्ष्म क्रिया का अर्थ सिर्फ इतना है मन वचन और काय का व्यापार चलना, और मन वचन काय का व्यापार चलना माने योग होना, योग का मतलब प्रदेशों का परिस्पंदन होना, तो मन के निमित्त से योग का परिस्पंदन होना, वचन की योग से योग का माने प्रदेशों का परिस्पंदन होना, और काय के योग से योगों का परिस्पंदन होना, बस इसका नाम है सूक्ष्म क्रिया का व्यापार। वाणी का कहना इसी में है, मन अभी मन मौजूद है, मन के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, परिस्पंदन माने जैसे अभी की लैंग्वेज में कहें तो वाइब्रेशन होना, उस रूप से आप समझ सकते हैं कि कंपन होना, आत्म प्रदेशों में निरंतर कंपन होता है, जैसे अभी वर्तमान में अपन है तो निरंतर कंपन चल रहा है, योग की प्रक्रिया चल रही है, उसी वजह से जो आठ कर्मों का बंधन है वो होता है, योग के निमित्त से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, तो 13वें गुण स्थान में भी जो इंद्रियापद आश्रम कहा है तो क्यों होता है, क्योंकि अभी प्रदेशों का कंपन चल रहा है और प्रदेशों के कंपन के कारण प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, तो इसलिए जो इंद्रियापद आश्रम 13वें गुण स्थान में कहा जाता है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी योग है, योग के कारण ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो कर्म प्रकृतियां हैं उनका आना होता है। ठीक है, तो इसे कहा सूक्ष्म क्रिया। ठीक है, क्या सॉरी ज्ञानावरण अघातियां जो कर्म है उनका जो आना होता है वह योग के कारण होता है, चार घातिया कर्मों का तो अभाव हो गया, चार अघातिया कर्मों का जो आना होता है वो इस कारण होता है। ठीक, अब सूक्ष्म काय की क्रिया के व्यापार रूप और अप्रतिपाती जिससे गिरना नहीं हो, ऐसा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नामक तीसरा शुक्ल ध्यान है, माने अब इस शुक्ल ध्यान से गिरना नहीं होगा, माने क्या, जैसे किसी ने पहले नंबर का शुक्ल ध्यान लगाया पृथकत्व वितर्क विचार, तो इसमें क्या हो सकता है वह ध्यान छूट भी सकता है, उपशम श्रेणी में यदि कोई आरोहण होगा तो वह शुक्ल ध्यान छूट सकता है, 11वें गुण स्थान तक पहुंच गए उसके बाद वापस नीचे आ जाएगा, 7वें 6वें गुण स्थान में जा सकते, पहले गुण स्थान तक भी जा सकते, तो वो ध्यान छूट जाएगा, लेकिन गिरेंगे क्रम से 11वें के बाद, लेकिन ये जो 13वें नंबर माने 13वें गुण स्थान में जो शुक्ल ध्यान हो रहा है वह कैसा है, अप्रतिपाती है, माने अभी इस शुक्ल ध्यान का कभी भी अभाव होने वाला नहीं है। दूसरा अर्थ ये भी है कि जो 13वां गुण स्थान प्राप्त हो गया है अब वह 13वें गुण स्थान से नीचे कभी भी आने वाले नहीं, सिर्फ ऊपर ही बढ़ने वाले हैं, नीचे गिरने वाले नहीं है।
इसलिए सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नामक तीसरा शुक्ल ध्यान है वह उपचार से संयोग केवली जिन गुण स्थान में होता है। संयोग केवली जिन माने 13वें गुण स्थान में होता है। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया उपचार से। उपचार से क्यों कहा? उपचार कहने का तात्पर्य यह है कि जब ध्यान की चर्चा चलती है तो वहां पे ध्यान और ध्यान का फल, ये दो चर्चा होती है, ध्यान और ध्यान का फल। तो अहंत सिद्ध दशा उसको ध्यान के फल के रूप में लिया गया है, माने ध्यान और ध्यान करने से उसका जो फल प्राप्त हुआ वो ध्यान का फल। तो ध्यान किया माने संसार दशा में, क्षयोक्षमिक दशा में जो ध्यान किया, अब उसका फल क्या मिला कि अहंत सिद्ध दशा रूप पर्याय प्रकट हुई। तो इसीलिए ध्यान की अवस्थाएं 12वें गुण स्थान तक कही और ध्यान के फल रूप अवस्थाएं 13वें 14वें और सिद्ध दशा को कहा। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि 13वें गुण स्थान में ध्यान को कहना ये भी उपचरित कथन है, उपचार से वहां ध्यान कहा जा रहा है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि जब ध्यान लगाने को कहा जाता है तो उसका अर्थ ये होता है कि भाई अभी हमारा उपयोग कहीं और स्थिर था, अब उस ध्यान को माने जो उपयोग है उसको आत्म स्वरूप में स्थिर करना, इसका नाम ध्यान। माने मोक्ष मार्ग में ध्यान का अर्थ क्या है? ये मोक्ष मार्ग के प्रसंग में ध्यान का अर्थ ये है कि जो उपयोग बाहर भटक रहा था उस उपयोग को स्वरूप में स्थिर करना, इसका अर्थ होता है ध्यान। लेकिन अब 13वें गुण स्थान में जो उपयोग है वो सहज ही स्वरूप में स्थिर है, और स्वरूप में तो स्थिर है ही, लेकिन अन्य पर द्रव्य में भी उपयोग स्थिर है। माने क्या? जो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं 13वें गुण स्थान, माने केवल ज्ञान में। तो उपयोग पर द्रव्य को जानने में भी प्रवृत्त है और स्वरूप को जानने में भी प्रवृत्त है। अब ध्यान किसे कहा था कि पर द्रव्य से लक्ष्य को हटा करके स्वरूप में स्थिर करना, इसे ध्यान कहा था। लेकिन केवल ज्ञान में उपयोग का ऐसा पलटना नहीं होता है कि पर द्रव्य को तो नहीं जानू और स्वरूप को ही जानू, ऐसा केवल ज्ञान में व्यवस्था नहीं होती है। केवल ज्ञान में तो पर द्रव्य भी जानने में आता है और स्वशुद्धात्मा भी निरंतर जानने में आ रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि पर द्रव्य के ज्ञान को रोक करके उपयोग को कहां स्थिर कर दे, स्वरूप में स्थिर कर दे। इसलिए कहा कि 13वें गुण स्थान में जो ध्यान है वह उपचार से कहा गया है। सारे घी माने सकल घी उसके ज्ञान के विषय में बन रहे, तो उपयोग का विषय तो है, माने जो ज्ञान उपयोग है वो पर द्रव्य में भी प्रवृत्त है, स्वद्रव्य में भी प्रवृत्त है। ध्यान किसे कहा जाता है? पर द्रव्य से निवृत्त होकर के स्वद्रव्य में प्रवृत्ति होना उपयोगी, उसे ध्यान कहा। लेकिन इस रूप पर द्रव्य से निवृत्ति होना और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति होना ये केवल ज्ञान में नहीं होता है। ये केवल ज्ञान की दिव्यता है कि स्वशुद्धात्मा की अनुभूति भी उस समय चल रही है और उसी समय पर द्रव्यों का जानना भी होता है। इसलिए कहा कि 13वें गुण स्थान में जो शुक्ल ध्यान है वह उपचार से होता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो वो ध्यान के फल रूप अवस्था है। जितना ध्यान था वह तो 12वें गुण स्थान तक हो गया है, अब क्या कर रहे हैं? अब तो उसके फल को भोग रहे हैं, अब ध्यान नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? ये ध्यान के फल को भोग रहे, माने आनंद का पान कर रहे हैं। माने इसको इस रूप में भी लिया जा सकता है, माने जितनी ध्यान की प्रक्रिया है वो सब पुरुषार्थ रूप प्रक्रिया है। क्या पुरुषार्थ का? कि पर द्रव्य से उपयोग को हटा करके स्वद्रव्य में स्थित करना, ये उपयोग पुरुषार्थ रूप अवस्था थी। अब 13वें 14वें गुण स्थान में पुरुषार्थ है या पुरुषार्थ का फल है? माने जितनी मेहनत करनी थी वो तो 12वें गुण स्थान तक कर ली है, अब तो क्या कर रहे हैं कि उस मेहनत का फल भोग रहे हैं। माने इस रूप में यदि अर्थ देखा जाए तो इसलिए कहा कि 13वें गुण स्थान में उपचार से 30 नंबर का जो शुक्ल ध्यान है वह होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम शुक्ल ध्यान जिसमें से क्रिया विशेष रूप से उपरत अर्थात निवृत्त हुई है वह विपरीत क्रिया है। तो विपरीत क्रिया हो अर्थात सर्व क्रिया की निवृत्ति हुई हो और अनिवृत्ति हो अर्थात मुक्ति ना हुई हो वह विपरीत क्रिया अनिवृत्ति नामक चौथा शुक्ल ध्यान है। वह उपचार से अयोग केवली जिन गुण स्थान में
होता है। इस प्रकार संक्षेप में आगम भाषा से भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यानों का व्याख्यान किया है। देखिए क्रिया विपरीत क्रिया अनिवृत्ति, विपरीत क्रिया माने तीसरे नंबर का जो शुक्ल ध्यान था वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित, माने वहां पे सूक्ष्म क्रिया चल रही थी, सूक्ष्म क्रिया माने योग का व्यापार चल रहा था। चौदहवें गुण स्थान में अयोग की भी जिन दशा हो गई है, यहाँ पे योग का जो कंपन था वह रुक गया है, माने अयोगी हो गए हैं, तो आत्म प्रदेशों का कंपन नहीं है, तो जो सूक्ष्म क्रिया चल रही थी उस सूक्ष्म क्रिया का व्यापार भी अब यहाँ पे रुक गया है, इसलिए कहा विपरीत क्रिया, माने जहाँ क्रिया का अभाव हो गया है, निवृत्त हो गए है समस्त क्रियाओं से, विपरीत क्रिया अनिवृत्ति, अनिवृत्ति माने समस्त क्रियाओं से अभाव हो गया, माने कोई क्रियाओं का व्यापार नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा होने पर भी अभी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। मुक्ति माने द्रव्य कर्म और नौ कर्म से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। अब अयोग केवली दशा में भी शरीर विद्यमान है और द्रव्य कर्म जो चार अघातिया कर्म है वे विद्यमान है, तो इसलिए द्रव्य कर्म और नौ कर्म से अभी पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए वह कैसा है अनिवृत्ति रूप है। तो विपरीत क्रिया, समस्त क्रियाओं का अभाव हो गया है इसलिए विपरीत क्रिया अनिवृत्ति, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, निवृत्त नहीं हुए हैं, कैसे है अनिवृत्त है इसलिए अनिवृत्ति, तो विपरीत क्रिया अनिवृत्ति, और अनिवृत्ति हो अर्थात मुक्ति ना हुई हो वह विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक। चौथा शुक्ल ध्यान है वह भी उपचार से, यहाँ पे भी उपचार शब्द का प्रयोग किया कि अयोग केवली जिनको भी उपचार से इस चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान कहा गया है। इस प्रकार संक्षेप में आगम भाषा से भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यानों का व्याख्यान किया है। भिन्न भिन्न प्रकार माने चार प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। प्रारंभ के जो दो ध्यान है वो तो संसार के कारण है, धर्म ध्यान को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। इस प्रकार यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो आर्त ध्यान है माने सॉरी चार प्रकार के ध्यान है उनका वर्णन किया गया है। ये तो स्थूल रूप से चार प्रकार का ध्यान किया, प्रत्येक जीव की अपेक्षा देखा जाए और एक एक समय के परिणामों की अपेक्षा देखा जाए तो ये अनेक प्रकार का ध्यान हो जाता है, माने प्रत्येक जीव की अपेक्षा मेरा इस समय ध्यान अलग प्रकार का चल रहा है, आपका अलग प्रकार का चल रहा है, प्रत्येक जीव का ध्यान अलग अलग प्रकार का चल रहा है और उसमें भी तारतम्यता है, माने ध्यान की भी जो अवस्था है जो स्थिरता है उपयोग की स्थिरता वही भी अलग अलग लेवल की है, कभी उपयोग कम स्थिर होता है कभी अधिक स्थिर होता है, तो इस प्रकार से जो ध्यान है वह विचित्र प्रकार का होता है। जो मूल गाथा में बात आई थी विचित्र विचित्र झाड़प सिद्धि है, माने विचित्र प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए, तो विचित्र प्रकार का ध्यान माने एक ही जीव को आर्त ध्यान, जैसे आर्त ध्यान ही लिए तो एक प्रकार का आर्त ध्यान ही, इसके वियोग आर्त ध्यान ले तो एक प्रकार का जो आर्त ध्यान है वह भी अनेक प्रकार का होता है। जैसे एक मोटा मोटा यदि आप देखें तो अपने परिणामों में ही अपन देख सकते हैं कि इष्ट वियोग हुआ तो कोई वस्तु का वियोग हुआ तो उसमें कम दुख होता है और किसी वस्तु के छूटने पर ज्यादा दुख होता है। कोई आपके सगे संबंधी का मरण हो जाए तो उसमें अधिक दुख होगा और कोई दूर का रिश्तेदार का वियोग हो तो उसमें थोड़ा कम दुख होता है। तो ये इस माने जो तारतम्यता है वो अलग अलग है, एक ही इष्ट वियोग आर्त ध्यान होगा लेकिन उसमें भी तारतम्यता है। तो ऐसी एक एक व्यक्ति के जीवन में ध्यान में तारतम्यता होती है, अनेक जीवों की अपेक्षा विचार करें तो उसमें भी अनेक प्रकार का ध्यान हमें दिखाई देगा। तो ये तो स्थूल रूप से चार प्रकार का ध्यान का आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उनके भी चार चार भेद किए हैं, लेकिन एक एक समय के परिणामों की अपेक्षा विचार करें तो वह ध्यान भी असंख्यात प्रकार का हो जाता है। इसलिए कहा विचित्र झाड़प, माने वह जो ध्यान है वह विचित्र प्रकार का है, माने अनेक प्रकार का ध्यान होता है। तो इस प्रकार संक्षेप में आगम भाषा से भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यानों का व्याख्यान किया। अब यहाँ पे क्या शब्द लिखा है आगम भाषा से, माने ये जो ध्यान के स्वरूप का वर्णन किया है वह आगम भाषा से किया है,
तो दूसरी भाषा कौन सी है? पहले इन शब्दों का प्रयोग कर चुके, पहले के विषय अपन ने पढ़े हैं, वहाँ आगम भाषा और अध्यात्म भाषा। आगम भाषा में कथन किया जाता है, अब अध्यात्म भाषा में कथन किया जाता है, ऐसा प्रयोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो वही यहाँ पे जो ध्यान के स्वरूप का वर्णन किया है वो आगम भाषा के अनुसार किया है, माने कंडानियों की अपेक्षा से यहाँ पे ध्यान के स्वरूप का वर्णन किया है। अध्यात्म भाषा में अभी ध्यान के स्वरूप का वर्णन यहाँ पे नहीं किया है, जैसे अपन निश्चय ध्यान रूप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो कथन किया है वह सब आगम भाषा रूप से किया है। अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो उपयोग का स्वरूप में स्थिर होना, इसका नाम ही ध्यान है। ठीक है, तो इस प्रकार संक्षेप में आगम भाषा से भिन्न भिन्न प्रकार के ध्यानों का व्याख्यान किया है। अब आगे अध्यात्म भाषा से, ये अगला पैराग्राफ आ रहा है, अध्यात्म भाषा से वो ध्यान कैसा होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। अध्यात्म भाषा से सहज शुद्ध परम चैतन्यशाली परिपूर्ण आनंद के धारक भगवान निजात्मा में उपाधि बुद्धि करने के पश्चात मैं अनंत ज्ञानमय हूँ, मैं अनंत सुख रूप हूँ इत्यादि भावना रूप अंतरंग धर्म ध्यान कहलाता है। क्या है धर्म ध्यान? कि सहज शुद्ध जो परम चैतन्य परमात्मा है, भगवान आत्मा है, उस परिपूर्ण आनंद के धारक भगवान निजात्मा में उपाधि बुद्धि करके पश्चात मैं अनंत ज्ञानमय हूँ, अनंत सुख रूप हूँ इत्यादि भावना रूप अंतरंग धर्म ध्यान कहलाता है। और पंच परमेश्वरों की भक्ति आदि उसके अनुकूल अंतरंग धर्म ध्यान को व्यवहार से अनुकूल शुभ अनुष्ठान वह बहिरंग धर्म ध्यान है। दो प्रकार के यहाँ पे भेद किए, अंतरंग धर्म ध्यान और बहिरंग धर्म ध्यान। अंतरंग धर्म ध्यान माने जिस शुद्ध आत्मा में जो स्थिरता है वह अंतरंग धर्म ध्यान है, और उस अंतरंग धर्म ध्यान में सहकारी कारण रूप जो पंच परमेश्वरों की भक्ति है उसे बहिरंग धर्म ध्यान कहा। भक्ति शब्द है, पिंड हो गया। मूल संस्कृत में आप देखें पंच परमेश्वरी भक्ति आदि, माने पंच परमेश्वरी की भक्ति में जो उपयुक्त चित्त स्थिर होता है उसे ध्यान कहा जाता है। वैसे आपको भी यदि जैसे सामान्य सामायिक आदि में अपन जब बैठते हैं तो वहाँ किसका विचार करते हैं? पंच परमेश्वरियों का विचार करते हैं, वस्तु तत्व का विचार करते हैं, सात तत्वादी का विचार करते हैं। तो ये पंच परमेश्वरी का स्वरूप है और उसका विचार करना यह ध्यान में माने साधन है, जो अंतरंग ध्यान है स्वशुद्धात्मा तक पहुंचने का साधन वह पंच परमेश्वरी का विचार करना, माने पंच परमेश्वरी का जो स्वरूप है कि उसका विचार करके वह जो विचार है वह आत्म स्वरूप का विचार करने में साधक बनता है, इसलिए उसे बहिरंग धर्म ध्यान कहा। तो उपचार से पंच परमेश्वरियों का ध्यान करना और वास्तव में निश्चय से आत्म स्वरूप में स्थिर होना अथवा आत्म स्वरूप का विचार होना उसे अंतरंग धर्म ध्यान कहा है। ये अध्यात्म भाषा से धर्म ध्यान का स्वरूप है। आगम भाषा में तो चार भेद करके धर्म ध्यान को समझाया था, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। और अध्यात्म भाषा में दो भेद किए, अंतरंग धर्म ध्यान और बहिरंग धर्म ध्यान। स्वरूप का विचार होना, स्वरूप में स्थित होना अंतरंग धर्म ध्यान, और स्वरूप में स्थित होने में जो साधन भूत है बहिरंग साधन भूत है, ऐसी पंच परमेश्वरियों की भक्ति उसे बहिरंग धर्म ध्यान कहा। उसी प्रकार निज शुद्धात्मा में विकल्प रहित समाधि रूप शुक्ल ध्यान है, अथवा चार प्रकार का यहाँ पे शुक्ल ध्यान भी बताया जा रहा है। मंत्र वाक्यों में स्थित पदस्थ ध्यान है, निज आत्मा का चिंतन वह पिंडस्थ ध्यान है, सर्व चिद्रूप का चिंतन वह रूपस्थ ध्यान है, और निरंजन का ध्यान रूपातीत ध्यान है। इस श्लोक में कहे अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का ध्यान जानना। चार प्रकार के शुक्ल ध्यान की भी चर्चा की, माने स्वरूप में स्थित होना, समाधिस्थ होना, उसका नाम शुक्ल ध्यान है। अथवा दूसरे प्रकार से वर्णन करें तो चार प्रकार का शुक्ल ध्यान यहाँ पे कहा है, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। तो मंत्र वाक्यों में स्थित पदस्थ ध्यान है, निज आत्मा का चिंतन वह पिंडस्थ ध्यान है,
सर्व चित रूप का चिंतन वह रूपस्थ ध्यान माने अपना स्वरूप कैसा है, चैतन्य रूप है तो उस रूप आत्मा का चिंतन होना वह रूपस्थ ध्यान है, और निरंजन का ध्यान वह रूपातीत ध्यान है। माने या तो चैतन्य रूप अपना विचार हो और अरूपी माने किसी भी प्रकार का मेरा रूप नहीं है, माने जड़ रूप मेरा नहीं है, एक चैतन्य रूप है ये रूपस्थ, और समस्त प्रकार के रूप से मैं कैसा हूँ, रहित हूँ, माने स्पर्श रस गंध वर्ण रूप मेरा नहीं है, तो इसलिए मैं कैसा हूँ, अरूपी हूँ, तो उस रूप से विचार करना वह रूपातीत ध्यान है। इस श्लोक में कहे अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का ध्यान जानना। तो इस प्रकार ये जो चार ध्यान संबंधी चर्चा थी वो अपनी यहाँ पे पूरी हुई है। अब आगे चल करके थोड़ी सी और चर्चा आने वाली है, माने ये जो ध्यान का प्रतिबंधक है अथवा प्रतिपक्ष है, माने हमें ध्यान क्यों नहीं हो पाता है, प्रश्न खड़ा हुआ कि ये जो धर्म ध्यान है शुक्ल ध्यान है ये हमें क्यों उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, तो उनका प्रतिबंधक क्या है, तो उसकी चर्चा बहुत अच्छी थोड़ी सी आगे और आने वाली है टीका में, तो उसकी चर्चा पर आगे करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो परवास देखो मानुषी बखानी है, चाओ रव जान वेखो बंद विद्वान वेखो सो पर पिछान वेखो परम प्रमाणी है, अनुभव ताय वेखो जीव के जताय वेखो काऊ न सताय वेखो भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही जिन वाणी है, ज्ञान से सूर्य लोकालो सोवानी मतक नमो सदा देहु।